ओम शांति, आप सबको स्वागत है। हम कर रहे हैं 23 अगस्त की शिरोदान की रिकॉर्डिंग, जहां परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त हो जाओ। तो सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं। और ये विघ्न कहाँ पे आते हैं? हमारे मन में आते हैं। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं बोला, मुझे क्यों नहीं आगे रखा, ये सारे विघ्न आते हैं। या और लोग आपको ताने मारे कि आपने ठीक नहीं बोला, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए था, ये भी हो जाते हैं विघ्न। उसका बहुत महत्व है सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए। वायुमंडल का, संघ का, वायुमंडल की वहां पे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसका भी आपके ऊपर असर ना पड़े। आपको जो कहना है, सत्य कहना है, उसको आप सिद्ध करके रहें। वायुमंडल का, संघ का, लोग जो हैं, साथी संबंधी जो हैं, ब्राह्मण परिवार जो है, उसमें भी कोई अगर आपको बोला, अरे क्यों जाते हो, क्यों छोड़ दो ना, अभी क्यों जरूरत नहीं है, यह है संघ का असर। मतलब कि आपको आलस्य या अलबेलेपन में ले आए। आलस्य का आदि यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, मतलब कि संकल्प में भी जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, अरे बहुत प्रॉब्लम है, अभी तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा धूप निकली है, बहुत गर्मी है, चलो चलो आज छोड़ देते हैं सेवा में, आज नहीं जाते हैं। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवादारी कहेंगे। तो हम अपने जीवन में भी कभी कभी सिर्फ लौकिक और अलौकिक दोनों इन चीजों में, लौकिकता में तो होता ही है कि चलो आज ऑफिस नहीं जाते हैं, आज थोड़ा सा छुट्टी ले लेते हैं काम से, आज क्यों जाना है, आज घर में बैठते हैं और बारिश हो रही है, पकौड़े वकड़े खाते हैं, तो ये हो गया आलस्य, अलबेलापन हो गया। परमात्मा कहते हैं ये चीज तुम सेवा में मत यूज करो, नहीं तो उसके ऊपर तुम्हारा बोझा चढ़ेगा। तो बोझा जब चढ़ता है तो हमारे ऊपर औरों की दुआओं की जगह बद्दुआएं आती हैं, हमारे अंदर विल पावर कम होती जाती है और हम आगे भी अपने लिए, खुद के लिए विघ्न बनते जाते हैं। तो ये कैसे हम इन चीजों को पार करें ताकि इसका असर हमारे लौकिक जीवन में, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी पड़े, हम दुनियावी चीजों पे भी आगे बढ़े, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं ब्रह्मा कुमारी। इसमें आप भी आकर के सीखें इसको। ओम शांति।